कुछ देर से हमको कुछ इनपुट्स मिल रहे थे कि कठुआ बॉर्डर से नरकोटिक्स का स्मगलिंग की कोशिश की जा रही है। उसको फर्दर डेवलप करते हुए कल रात को करीब 2:30-3 बजे के बीच में हमारे BSF के ट्रुप्स जो आगे पावर्ड एरियाज़ में लगे हुए हैं, उन्होंने रात के वक्त कुछ मूवमेंट देखा। इसमें 3-4 लोग जंगल झाड़ी के बीच में से आ रहे थे। जब वो जीरो लाइन क्रॉस करके फेंस के पास में पहुंचे हैं तो उसको चैलेंज किया गया, लेकिन अनसुनी करते हुए आगे बढ़ता रहा। पीछे से कुछ हमको ऐसे भी आवाज़ आई जैसे कोई वेपन वगैरह पॉक कर रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो संतरी था ग्राउंड के ऊपर, उन्होंने फायर किया और फायर में एक स्मगलर की डेथ हुई है। और सुबह जब हमने एरिया को सर्च किया है तो वहाँ पर हमको 27 केजी हेरोइन मिली है। ये वो इलाका है जहाँ पर आपको याद होगा कि पिछले साल 20 जून को ही एक हेक्साकॉप्टर यहाँ पर गिराया गया था जो वेपन की कंसाइनमेंट लेके जा रहा था। इसी एरिया में जहाँ पर आज इनकाउंटर हुआ है, वहीं पर जनवरी में एक टनल भी डिटेक्ट हुई थी। तो ये जो पानसर का एरिया है, इसको हम लगातार अपनी ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं और उसी का नतीजा है कि ये जो सफलता हमारे जवानों को मिली है। थैंक यू। कोई आइडेंटिफाई हो पाया है कहाँ? अभी उसकी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक के इंडिकेटर्स यही हैं कि शायद ये पाकिस्तानी नेशनल है। नहीं, हमने पाकिस्तान रेंजर्स को भी कांटेक्ट किया है और वो भी अपने लेवल के ऊपर इसकी शनाख्त कर रहे हैं। ये जो कंसाइनमेंट है, ये एक एक केजी के पैकेट्स में बांध के और 27 पैकेट्स पूरा एक कपड़े के अंदर बांध के उसको जैसे किसी पाइप के थ्रू इसको पुश करने की कोशिश होती है, उस प्रकार से था। उम्मीद है कि इस साइड से कोई ना कोई उसको रिसीव करने के लिए जाने वाला था, लेकिन पहुंच नहीं पाया और उससे पहले ही ये इनकाउंटर जो है हो गया। हाँ जी, नहीं अभी एरिया सर्च किया है, वहाँ पर नहीं मिला है। हो सकता है उसके साथ में जो साथी रहे थे, जो पीछे थे, वो भाग गए हैं, उनके पास में रहा। लगातार पाकिस्तान की तरफ से चाहे ड्रोन से वेपन ड्रॉपिंग की बात हो या ड्रग्स को प्रोसीड्स को भारत में धकेलने की कोशिश की जा रही है, क्या प्रोटेस्ट जो है वो अपने काउंटर पार्ट से लॉन्च कर रहे हैं इस रिगार्डिंग? जी हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल एक बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट नोट जो है वो जाएगा और पूरे एविडेंस के साथ में हम उनको दिखाएंगे। और साथ ही साथ हमने उनको ग्राउंड के ऊपर भी दिखाया और वो ग्राउंड के ऊपर आके देख के गए हैं। और इसमें अभी कोई शक की बात नहीं है कि ये पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई कर सके।